दादर का मार्केट, भीड़ कितनी भयंकर है। अभी तो दोपहर का 3 बजे। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुनूर, आप देख रहे हैं मुनूर सनी व्लॉग। तो गाइज, आज हम लोग जाएंगे शिवाजी पार्क, मैं और मेरा दोस्त बलविंदर, जो कि आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा ही होगा इसको। शिवाजी पार्क जाएंगे, उधर एक्सप्लोर करेंगे, और दादर है, दादर का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे दादर का मार्केट कैसा है, शिवाजी पार्क कैसा है। तो गाइज बने रहो व्लॉग के साथ। तो गाइज फाइनली हम शिवाजी पार्क दादर चौपाटी पहुंच चुके हैं, जो कि आपको बताने वाला हूँ। और वैसे भी मैंने एक लास्ट व्लॉग बनाया था, उसमें भी आपने देखा था दादर चौपाटी। तो गाइज पीछे ये है दादर चौपाटी, और पीछे शिवाजी पार्क है, जहाँ की सचिन तेंदुलकर बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि मैं इधर क्रिकेट खेलता था, मैंने उधर से चालू किया क्रिकेट खेलना, उधर से पूरा सीखे है वो, उधर से ही आगे बढ़े, वो भी आपको बताएंगे व्लॉग में। तो आप ये पीछे देखो, इसको दादर चौपाटी बोलते हैं। बाकी आपको बताएंगे आगे पूरा जो भी है वो सारा व्यू दिखाएंगे, और बाकी पूरा एक्सप्लोर कराएंगे इधर से उधर पूरा ब्रिज वगैरह। और आप पीछे देख रहे हो वो वर्ली सीलिंग का वो ब्रिज है, बहुत ही प्यारा ब्रिज है। उधर ही उधर का भी एक व्लॉग बनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग ना बीच पे आ चुके हैं, आप पीछे देख रहे हो कितनी ठंडी हवा चल रही है। और बलविंदर बोल रहा है तो कि मैं तो अपना ये घर इधर ही बना लूँ। रियली बहुत एकदम बहुत अच्छा व्यू है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाकी धूप तो है ही, बट धूप में ऐसे नहीं लग रहा कि धूप है, बिकॉज हवा की वजह से ना एकदम बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हवा से मतलब बिल्कुल भी नहीं परवड़ रही धूप। हम एक जगह पर खड़े हुए ऊपर जाए तो आप देखो व्यू। तो गाइज अभी उधर गए थे दादर चौपाटी, और उधर घूम के आ चुके हैं, और पीछे शिवाजी पार्क जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि सचिन तेंदुलकर की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी, इन्होंने यहीं से खेलना शुरू किया था, एंड यहीं से वो मतलब जीरो से सुपर हीरो बने थे। सो गाइज देख लो पीछे, ये है वो शिवाजी पार्क जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बाकी अभी तो थोड़ा बारिश का मौसम है, मानसून टाइम है ना, मानसून सीजन है, तो इसकी वजह से बच्चे इधर खेलते नहीं है, वरना ये पूरा पार्क ना फुल भरा रहता है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अपनी गेम्स की जो भी एक्टिविटीज़ है सब करते हैं, सीखते हैं क्रिकेट के बारे में, कोचेज़ आते हैं उनके साथ, जो भी एकेडमी है, जो भी एकेडमी वाले हैं कोचेज़ हैं, सब बच्चों को इधर ही सिखाने आते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इधर घूम रहे हैं शिवाजी पार्क। बाकी आपको बोला था मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में कि हम लोग दादर मार्केट भी जाएंगे, और आपको वो भी दिखाएंगे, एक साथ तीन तीन चीज़ें एक्सप्लोर करना, दादर चौपाटी जाना, एंड जो आप पीछे देख रहे हो शिवाजी पार्क आना, और भी है अभी दादर मार्केट जाएंगे तो आपको वो दिखाएंगे, बहुत मतलब बहुत। सो गाइस फाइनली हम दादर के मार्केट में आ चुके हैं, बल्कि थोड़ा मिनी मार्केट है तो बड़ा मार्केट है, उधर अभी हम लोग जाएंगे। बाकी आप इधर देख सकते हो मतलब फुटपाथ पे दुकानें लगी हुई है, और बाजू में भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इधर लेडीज़ आइटम ज़्यादा मिलते हैं, जैसे नए नए लेडीज़ के जो भी ट्रेंडिंग क्लोथ्स वगैरह है, सैंडल्स वगैरह, शूज़ वगैरह सब, और बाकी मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलते हैं। और आप पीछे देख ही रहे हो कि लेडीज़ आइटम्स ज़्यादा है इधर चारों तरफ, इधर भी देखो उधर लेडीज़ आइटम भी ज़्यादा मिलते हैं, कितना कुछ वो इसके लिए है नहीं। तो गाइस आपको नए जो बड़ा मार्केट है उसमें भी लेके जाएंगे। तो गाइस आप देख रहे हो मुंबई की भीड़, मुंबई की पब्लिक। तो अभी हम लोग मार्केट में दादर मार्केट में आ चुके हैं, जो कि सामने ही है, वो तो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सब्र रखो भाई, कहीं ठोक ना जाए। ओ भाई ये क्या देख लिया। तो गाइस अभी हम दादर मार्केट में आ चुके हैं, बलविंदर बोल रहा है कि मुझे कुछ दिला दे, बट भाई पैसे नहीं है, गरीब है, गरीब पैसे नहीं है गाइस, पैसे होते तो इसकी वैसे भी अभी फ्रेंडशिप दे गया है, उसने भी इसको कुछ नहीं दिलाया, बाकी दिलाएंगे धीरे धीरे, इसको
फ्रेंडशिप डे का जो बैग गिफ्ट है वो भी करेंगे। तो आप देख रहे हो पीछे दादर मार्केट, इधर मतलब अभी तो कुछ भी रस नहीं है, बाकी शाम के टाइम ना बहुत रस रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दीपावली के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये मुंबई का ना सबसे फेमस मार्केट है। वैसे बात करें तो इधर जो भी न्यू से न्यू ट्रेंडिंग कपड़े हैं, स्टाइलिश कपड़े, आपको सब कुछ मिलता है। तो बलमिंदर क्या बोलना चाहोगे आप मार्केट के बारे में? मार्केट तो बहुत बढ़िया है, आओ कभी इधर से लेके जाओ कपड़े। तो आप देख रहे हो आजू बाजू में शॉपिंग के लिए कितनी दुकानें लगी हुई है। मैं आपको शॉपिंग के लिए दुकानों पे भी जाके दिखाता, बट गाइस सबसे ज़्यादा आइटम्स ना इधर लेडीज़ आइटम ज़्यादा है। ये है दादर का मार्केट, भीड़ कितनी भयंकर है। अभी तो दोपहर के तीन बजे हैं, अभी दोपहर में ही इतना रश है, इतनी भीड़ है, तो सोचो शाम को कितना होगा। तो गाइस अभी हम दादर स्टेशन आ चुके हैं, जो कि दादर स्टेशन के बाहर निकलते ही मार्केट है। थोड़ा मार्केट घूमे थे और अभी हम जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम घर से, दोपहर के 12 बजे निकले थे। 12 बजे निकलने के बाद इधर उधर घूमे, जो भी आपको चीज़ें हैं, शिवाजी पार्क दिखाया, दादर चौपाटी दिखाई एंड दादर मार्केट दिखाया, सब कुछ दिखाया। अभी हम लोग दादर के ब्रिज के नीचे और सामने स्टेशन उधर जा रहे हैं, टिकट लेंगे और निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस कभी आओ, मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट है दादर मार्केट, रियली बहुत अच्छा मार्केट है। आपको जो भी चीज़ चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी तक, कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि ओनली क्रॉसी है, सब कुछ चीज़ें आपको मिलेगी तो एकदम जेन्युइन रेट में। तो गाइस आइए और एक्सप्लोर कीजिए दादर मार्केट और शॉपिंग कीजिए। तो गाइस चलते हैं, टिकट लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं, बने रहो लोग के साथ, आपसे घर जाके मिलते हैं। सो गाइज आप देख रहे हो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इधर एक पंगा हो गया। ट्रेन स्टेशन से निकली थी, थोड़ी दूरी चली थी, आगे जाके पायलट ने एकदम से ब्रेक मारे, सब पैसेंजर्स डिब्बे से बाहर निकल के देखने लगे हुआ क्या। अब हुआ ये, इधर ना दो बंदे थे, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक करके पटरी पे बैठे हुए थे, उनको बचाने के चक्कर में पायलट ने एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाए। आप देख रहे हो ये आ रहा है बात करता हुआ, यही बंदा था जिसने ड्रिंक कर रखी थी, आज तो बच ही गया। तो गाइस फाइनली मैं स्टेशन तो पहुंच चुका था काफ़ी टाइम पहले, बट ना मेरे साथ आज पोपट हो गया था, बिकॉज जब मैं घर से बाहर निकला था ब्लॉगिंग के लिए तब बहुत तेज़ धूप थी, और अभी आया तब बहुत तेज़ बारिश हो गई, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा कि बारिश रुक जा। तो फाइनली बारिश रुकने के बाद अभी मैं घर पर जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं पीछे पूरा पानी भरा हुआ है। तो गाइस अभी मैं घर पर जा रहा हूँ, और मिलते हैं घर पर, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली घर पर आ गया हूँ, आपने देखा था हम लोग दादर चौपाटी गए थे, शिवाजी पार्क गए थे, दादर मार्केट दिखाया था आपको। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।